लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देने उनके आवास पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। महादेव एप मामला ईडी के बाद अब मुंबई पुलिस ने दर्ज किया केस, हंगामे के बाद कार्रवाई के आसार। दिल्ली में पटाखों पर नियंत्रण और एप आधारित कैब पर लगेगी पाबंदी, गोपाल राय ने दी जानकारी। दिल्ली में ऑड इवन लागू करने की फाइल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एलजी को भेजी जाएगी। दिल्ली में छठ पूजा के लिए 1000 जगहों पर की जा रही है तैयारी, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने किया ऐलान। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों का ऐलान, 10वीं और 12वीं के छात्र जाएंगे स्कूल। नीतीश कुमार के मुंह से गलती से निकल गया महिलाओं को लेकर सीएम के बयान पर बोली राबड़ी देवी। मेरे बयान से कोई आहत हुआ तो माफी मांगता हूं, महिलाओं पर विवादित बयान पर बोले नीतीश कुमार। विधानसभा में माता बहनों का अपमान हुआ नीतीश के बयान पर, एमपी में बोले प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चलते हैं, मध्य प्रदेश के दमोह में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर करारा हमला। नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हैं, सीएम के बयान पर बोले आरसीपी सिंह। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, नीतीश के महिलाओं को लेकर बयान पर चिढ़ गए चिराग पासवान। नोएडा में रेव पार्टी में छापेमारी के बरामद हुए सांपों को जंगल में छोड़ा गया, एल्विश विवाद के बाद मामला हुआ था गरम। और नोएडा पुलिस के सामने पेश हुए एल्विश यादव, 3 घंटे तक लगातार चली पूछताछ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या के दीपोत्सव महोत्सव में नहीं हो पाएंगे शामिल। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में हिली धरती, रिएक्टर स्केल पर 3.6 मापी गई तीव्रता। एनडीए का डूबता हुआ जहाज है, आज तक के तेलंगाना राउंड टेबल कार्यक्रम में बोले मंत्री केटीआर। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के काफिले पर हमला। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर 10 राज्यों में एनआईए की आज ताबड़तोड़ छापेमारी। बेल्जियम ने कहा गजा पर बमबारी के लिए यू को इसराइल पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान, युद्ध खत्म हो जाने के बाद गजा पर दोबारा कब्जा नहीं करे इसराइल। बंधकों की रिहाई के लिए कतर कर रहा इसराइल और हमास के बीच मध्यस्थता, जंग के बीच से राहत भरी खबर। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने किया दावा, 2021 के बाद से पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं 60% तक पड़ी। और पंजाब के कई शहरों में एक्यूआई खराब, भटिंडा में 343, लुधियाना में 242 और पटियाला में 251 किया गया दर्ज।